हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ प्रियंका कौर। तो आज आप देखोगे ये एंगेजमेंट पार्टी मेकअप लुक। ये बहुत ही प्यारा सा स्मोकी आईज़ विद ग्लिटर आईज शेडो आपको सिखाने वाली हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे स्किन पे मॉइस्चराइज़र। सो हम अप्लाई करेंगे निविया का मॉइस्चराइज़र। अच्छे से ओवरऑल स्किन पे अप्लाई कर देंगे हम। मॉइस्चराइज़र लगाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम एक सीरम अप्लाई करेंगे, ये है गुड एंड वाइब्स का सीरम। सीरम अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर है हमारे पास इन कलर का। इन कलर का प्राइमर अच्छे से अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अच्छे से हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। उसके बाद हम लगाएंगे एक सी एंड बी का कंसीलर, जो हम हमेशा अपने आईलिड पे लगाते हैं एंड आईब्रोज़ के ऊपर। अच्छे से आईब्रो की शेप ड्रॉ करते हुए हम पूरी आईज़ पे अप्लाई करेंगे। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम ये अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर हम लेंगे एक ऑरेंज कलर का आई शेडो, उससे हम अपना बेस बनाएंगे सबसे पहले आई शेडो का। उसके बाद हम लगाएंगे इन कलर का ब्लैक जेल लाइनर। इसको हम अपने पूरी आई लीड पर अच्छे से लगाएंगे एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइज, ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ब्लेंड करना है, बस ब्लेंड करना है। उसके बाद हम लेंगे एक ब्लैक आई शेडो एंड इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। जेल लाइनर को लॉक करना इंपॉर्टेंट होता है, तो जेल लाइनर लॉक करेंगे। जेल लाइनर लॉक करने के बाद हम लेंगे एक शिमरी पिंक आई शेडो, उसको हम पूरी आईज पे लगाएंगे जहाँ हमने ब्लैक लगाया, थोड़ा सा इनर कॉर्नर और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे छोड़ के बीच में हम पूरे में अप्लाई कर देंगे पिंक कलर का आई शेडो। उसके बाद हम लेंगे 2V जेल एंड मिस रोज की गिल्टर प्रेस गिल्टर पैलेट। हम 2V जेल अप्लाई करने के बाद प्रेस गिल्टर अप्लाई करेंगे। तो हमने गिल्टर भी पिंक कलर का लिया है। पिंक में ये थोड़ा सा मल्टी पिंक था, इसमें बहुत सारे शेड थे, पिंक, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट, पिंक ज़्यादा था। तो ये मल्टी कलर के प्रेस गिल्टर हमने अप्लाई किए पूरी आई लीड पर। जहाँ भी हमने पिंक शेड अप्लाई किया था वहाँ पर हमने ये गिल्टर अप्लाई किया है। गिल्टर अप्लाई करने के बाद देखिए आप गाइस, ब्यूटीफुल आईज़ लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही है। अभी तो बहुत मेकअप बाकी है आईज़ का, अभी धीरे धीरे देखो। उसके बाद हम लेंगे एक ऑरेंज कलर का कैरेक्टर, इसको अच्छे से डार्क सर्कल एरिया पे लगाएंगे और जहाँ भी पिगमेंटेशन है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसको अच्छे से एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस, ये आपको मैं मेकअप सिखा रही हूँ हुडन आईज़ पे आप कैसा मेकअप कर सकते हो। सो, अभी हमने लिए मिलानी की फाउंडेशन पूरे फेस पर अच्छे से ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे। ब्रश से लगाने के बाद हम इसे भी एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने अच्छा ब्लेंडिंग होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एकदम HD लुक आपका आएगा फाउंडेशन में, आई शेडो में, जो भी आप अप्लाई करो। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लेंडिंग ज़रूर कीजिए। उसके बाद हम लेते हैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर। सॉरी, नाम भूल जाती हूँ थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं। स्विस ब्यूटी का कंसीलर हमने पूरा अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। आप कोशिश करना कि आपके पास 2 टाइप के ब्लेंडर हो और आप कंसीलिंग ब्लेंड किसी अदर ब्लेंडर से करें एंड बाकी फाउंडेशन एंड कंसीलर आप किसी अदर ब्लेंडर से ब्लेंड करें। उसके बाद गाइज, आप देख सकते हो कि अभी तो मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने लिया है क्रायलोन का एक कॉन्टोर बेस, क्रीम कॉन्टोर है ये। इससे हम अपने मॉडल की स्किन को, फेस को कॉन्टोर करेंगे अच्छे से। कॉन्टोरिंग से फेस की में और ज़्यादा उभार आता है, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट अलग से दिखाई देता है। तो कॉन्टोर को भी हमने अच्छे से लगाने के बाद इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसको भी एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हो कि कॉन्टोर करने के बाद नोज़ कितनी पतली एंड शार्प नज़र आ रही है एंड लिप्स हम थोड़े से पाउटी बनाने हैं, तो इस वजह से हमने लिप्स पे कॉन्टोर किया है। अच्छे से इसको कॉन्टोर करने के बाद हम पहले अप्लाई करेंगे ADS की कैरेट कलर की लिपस्टिक। हमने अप्लाई की है ब्लशर के लिए।
तो हम ब्लशर आज ये लगाने वाले, क्रीमी ब्लशर टाइप हम थोड़ा सा करने वाले हैं। तो हमने ब्लशर अप्लाई करने के बाद इन सब को लॉक करेंगे मालियों के फेस कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो अच्छे से इसको लॉक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लॉक नहीं करेंगे फाउंडेशन तो हमारे अगर हाथ लगेंगे या कुछ लगेगा तो फाउंडेशन अपनी जगह से हट जाएगा, तो इसलिए फाउंडेशन को लॉक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने लिया है हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर जिसका शेड है पिंक। तो इसको अच्छे से हम आइज़ के नीचे जहाँ जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ वहाँ हम इस पाउडर को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने फेसअप का वाइट जेल लाइनर लिया है जिसको हम अपनी वाटर आई लाइनर लाइन पर लगाएंगे। वाटर लाइन पे वाइट लाइनर लगाने से आइज़ थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, तो हुड एंड आइज़ पे वाइट लाइनर अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो ब्लैक भी अप्लाई कर सकते हैं बट वाइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद हमने लिया है एक पिंक कलर का आई शेडो जिसे हम वाटर लाइन के नीचे अच्छे से ब्लेंड करते हुए लगा देंगे। अभी गाइज आइज़ का बहुत मेकअप बाकी है, आप स्किप मत करना, बीच में वीडियोज़ को पूरा देखना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो कोई ना कोई स्टेप आप मिस कर दोगे। उसके बाद हमने लिया है एक ब्लैक कलर का आई शेडो जिसे हम वाटर लाइन के जस्ट नीचे अप्लाई कर रहे हैं, पिंक से ऊपर है। आप देख सकते हो कि पिंक भी नज़र आ रहा है एंड ब्लैक भी नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने लिया है डायमंड ग्लिटर, डायमंड ग्लिटर को हम अप्लाई कर देंगे। डायमंड ग्लिटर वैसे तो वाइट कलर का था बट इसमें मल्टी कलर की शाइन थी तो इसलिए मैंने ये ग्लिटर अप्लाई किया। उसके बाद हम लेंगे एमएन का मस्कारा, एमएन के मस्कारे को हम अच्छे से लैशेस पे लगाएंगे, अपर लैश पे भी लगाएंगे और लोअर लैश पे भी लगाएंगे। अच्छे से लगाने के बाद हम अपनी आईब्रो डिफाइन कर लेंगे, मालियों के आईब्रो डिफाइनर से आईब्रो की शेप बनाएंगे। शेप पीछे से आप देखोगे कि शेप को मैंने डार्क रखा है एंड जैसे जैसे आगे की साइड में आती जाऊंगी वैसे वैसे वो लाइट करती जाऊंगी। तो आगे हमारा बहुत नेचुरल सी आईब्रो लगनी चाहिए एंड पीछे से हम एक शेप देते हुए थोड़ा सा डार्क आईब्रो रखेंगे। फिर मैं अप्लाई करूंगी लैशअप की आईलैशेस। आईलैशेस लगने के बाद गाइज आप देख सकते हो कि आईज़ कितनी प्यारी दिखाई दे रही हैं। सो हुडन आईज़ पे आप आईलैशेस भी अगर अप्लाई करें तो थोड़ी सी छोटी अप्लाई करना। उसके बाद हम ये सब कुछ डस्ट आउट कर देंगे, ये पूरा पाउडर निकाल देंगे फेस से। फिर हम लेंगे एंजल रोज़ के ब्लशर पैलेट से एक पीच कलर का ब्लशर हमने यहाँ लिया है। आज हमने पिंक ब्लशर नहीं लिया, पीच ब्लशर लिया है। पीच ब्लशर से एक फ्रेश लुक दिखाई दे रहा होगा आपको कि आया है। उसके बाद हम कलर एसेंस के कॉन्टोर पाउडर से थोड़ी सी कंटूरिंग और करेंगे ताकि थोड़ी सी हमारी कॉन्टोर लाइन, जॉ लाइन अच्छे से थोड़ी शार्प नज़र आए। नोज़ कॉन्टोर करेंगे, जहाँ भी हमने कॉन्टोरिंग की थी क्रीम कॉन्टोरिंग वहाँ पर हम पाउडरी कॉन्टोर करेंगे थोड़ी थोड़ी। उसके बाद हमने लिया है एचपी का ग्लिटर लाइनर, इसको हम अपने वाटर लाइन के जस्ट नीचे इनर कॉर्नर पे लगाएंगे। फिर हमने फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर लिया है, उसको पूरे फेस पे स्प्रे कर देंगे। उसके बाद हमने हाइलाइटर अप्लाई किया है, हाइलाइटिंग एरिया पे हम हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे सारा। सबको पता होगा कि हाइलाइटर आपके चीक्स पे, नोज़ पे, अपर लिप्स पे, चिन पे एंड फॉरहेड पे यूज़ होता है। तो पूरा हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कि कितना प्यारा बेस आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमने एक डार्क ब्राउन कलर की लिप लाइनर पेंसिल ली है जिससे हम लिप्स की शेप को ड्रॉ कर रहे हैं। लिप की शेप को ड्रॉ कर रहे हैं हम नेचुरल लिप्स से थोड़ा सा ऊपर की साइड ड्रॉ कर रहे हैं ताकि थोड़े से पाउटी लिप्स दिखाई दें। सो आप देख सकते हो। उसके बाद हमने लिया है कैमियो का ब्राउन शेड, ब्राउन लिपस्टिक हम कैमियो की यूज़ कर रहे हैं। कैमियो की लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, आपको ईजिली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, आप ऑनलाइन भी इसे देख सकते हो। ओवरऑल दिस इज़ द फाइनल लुक। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। ये लुक इतना प्यारा, इतना गॉर्जियस लग रहा था ना कि आपको क्या ही बताऊँ। सो गाइज, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।